हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मूडी ट्रैवलर्स। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त इमरान। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे दिल्ली टू कश्मीर ट्रिप पर। तो चैनल पे बने रहें दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास कश्मीर पहुंचने के। हम फ्लाइट ले सकते हैं श्रीनगर की, या फिर हम बाय ट्रेन जम्मू, और जम्मू से फिर हम श्रीनगर के लिए दूसरी ट्रेन चेंज कर सकते हैं। बट हमें एक्चुअल मज़ा आता है अपनी खुद की गाड़ी में जाने से। सो हम अपनी खुद की गाड़ी से ड्राइव करके जाएंगे एंड आपको पूरे रास्ते के व्यूज़ दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली 7-8 घंटे की ड्राइव के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर पे, जहां पर इस टोल के बाद जम्मू स्टार्ट हो जाता है। सो मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश हैं एंड हमें बहुत मज़ा आ रहा है इस ट्रिप पर। पूरी रात ड्राइव करने के बाद मॉर्निंग में इतना अच्छा व्यू मिल जाए तो सारी थकान ख़त्म हो जाती है यार। कितना प्यारा व्यू है, जस्ट लाइक अ सीनरी। हमने थोड़ी देर यहाँ फोटोज खिंचाई, देन फिर हम आगे के लिए निकल गए। आगे रास्ते में हमें रेलवे का ब्रिज दिखा। इसी ब्रिज से होप सो जो हमारी जम्मू टू श्रीनगर की ट्रेन है वो ट्रेवल करती होगी। बट रियली दोस्तों, हमने आज तक अपनी लाइफ में इतना ऊंचा रेलवे का पुल कभी नहीं देखा था। दोस्तों बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा रास्ते का मजा लीजिए। तो दोस्तों, अब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल तक पहुंच चुके हैं। ये टनल अप्रोक्स 9 किलोमीटर लंबी है एंड 4000 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों ये देखिए, क्रेन कैसे लैंडस्लाइड की वजह से मलबे में फंसी हुई है। अब हम बनाल टनल तक पहुंच चुके हैं एंड इस टनल को क्रॉस करने के बाद हम डायरेक्टली जन्नत में पहुंच जाएंगे, जिसे बोलते हैं कश्मीर वैली।
फ्रेंड्स फाइनली अब हम कश्मीर पहुंच गए हैं एंड हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे ड्रीम डेस्टिनेशन में से एक था। दोस्तों आप ये हमारे राइट साइड पे ट्रक्स की लाइन देख रहे होंगे, मैं पिछले 20 किलोमीटर से इस अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ और राइट साइड पे ये कंटिन्यू इतना लंबा ट्रैफिक है। अभी हमने पता करा तो पता चला कि ये जो ट्रैफिक है ये नो एंट्री की वजह से है कि इतने ट्रक्स खड़े हैं, सारे लोडेड ट्रक्स हैं, इनमें हमारे लिए एप्पल्स और आपके ड्राई फ्रूट्स ये सब लोडेड है। इन ट्रक ड्राइवर की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, ये वही ड्राइवर्स हैं जो इतने खतरनाक रास्तों पर ड्राइव करके हमारे लिए ये कश्मीर के एप्पल्स एंड ड्राई फ्रूट्स पूरी कंट्री में पहुंचाते हैं। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। दोस्तों कश्मीर के घर आपको दिख रहे होंगे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, क्या डिज़ाइन है, क्या कलरिंग है, मतलब इतना अच्छा डिसेंट सा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे हैं घर देख के। दोस्तों रास्ते में हमें आर्मी का काफिला देखने को मिला एंड रियली दिल से सल्यूट है इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी है तो हम हैं। शॉर्टकट के चक्कर में गूगल ने हमें इस रास्ते पे वो डाइवर्ट कर दिया है। इन रास्तों पे मतलब हम कहाँ जाएंगे पता नहीं, बट जो रास्ता और ये लोकेशन जो हमें दिख रहा है ना, ये गाँव की लोकेशन, यहाँ का मतलब ग्रीनरी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। दोस्तों अब हम झेलम रिवर पर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ हमें हमारा पुराना कॉलेज का एक फ्रेंड मिलने आ रहा है सरताज, जिसे हम लगभग 8 साल बाद आज मिल रहे हैं। सरताज से मिलने के बाद अब हम गुलमर्ग के लिए निकल गए हैं। रास्ते में हमें एक रेलवे क्रॉसिंग मिली है, ये वही ट्रेन है फ्रेंड्स जो जम्मू से श्रीनगर आती है। दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और अब थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो आज रात हम श्रीनगर में स्टे करेंगे एंड कल अर्ली मॉर्निंग गुलमर्ग के लिए अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।